तब तक आप जिस चीज में जो उद्देश्य, लड़का लोग जो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करे, आप समझाओ उसको, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, शॉर्टकट में चलेगा, पढ़ता लिखता तो है नहीं है, काम धंधा करता नहीं है, माए बाप रेजा कुली कर रहा है, बाप हरिया दारू पी करके दिन भर 35 किलो चावल मिलता है बोल के वो भी ताश खेल रहा है, माँ रेजा कुली कर रहा है, और अपने बड़का वाला चौड़ा मोबाइल ले लिए हो, और बिहाने उठते तुम्हारा मोबाइल में खेलने लगते हो, बिहान में ऐसे लग रहा है कि टाटा बिड़ला फेल हो गया तुम्हारा, मोबाइल में खेल रहा है। आपको समझना होगा इसमें, आदिवासी सेना का मतलब एक सही दिशा दे करके हमारे लोगों को एक दिशा देना, और आपको ईमानदारी होकर के सही तरीके से काम करना है। और जो अगुआ होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, पॉलिटिक राजनीतिक कर, बहुत संघर्ष भरा काम होता है, आसान नहीं है नेतागिरी करना, सामाजिक काम करना, इसके लिए आपको बहुत संजीदगी बरतने का जरूरत है, अपना उदाहरण पेश करना होगा लोगों के बीच में। हम एक दूसरे का शिकायत तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक उंगली तुम उधर उठाते हो तो चार उंगली आपके तरफ, तीन उंगली आप तरफ उठता है, इस बात को समझना होगा, अपने को देखना होगा। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे जो भी लोग हैं, फॉलोअर लोग, जितना लोग हैं, सारे लोग का आज जितने भी काम हो रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा, अभी आपका नियोजन नीति बना है, थोड़ी बहुत गलती हुआ है, आपको उसको समझना है, भाषा का रिलेटेड है तुम्हारा। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे लोग नौकरी चाकरी में ना पहुंचे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए आप लोगों को होशो आवास में बहुत गंभीरता से आपको समाज के प्रति और आदिवासियत के प्रति समझ करके आपको काम करने की जरूरत है। लीडर नहीं है आपके पास, सही अगुआ नहीं है, नया नौजवान अगुवाई नहीं कर पा रहा है, भटक जा रहा है, दिशाहीन हो जा रहा है तुम्हारा, नौजवान सही तरीके से लीडर नहीं बन पा रहे हैं, पूरा विषय को नहीं समझ पा रहा है, जगह जगह पर ऐसा गोष्ठी नहीं होता है, सेमिनार नहीं होता है, काउंसलिंग नहीं हो पाता है, इसका कई एक कारण है। इसलिए मित्रों, आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं चाहूंगा कि आप संकल्प लें और अपने घर परिवार के साथ साथ समाज के लिए आप 100 में अगर 2 काम भी करिएगा तो 2 काम सही हो, 98 काम आप नहीं सकते हैं ना हो, लेकिन 2 काम को आप जरूर सही कीजिए। एडिटोरियल पेज को पढ़िए, संपादकीय पेज को पढ़िए, आप पढ़िए उसमें। अभी हाल के दिनों में अखबार में तुम्हारा जातिगत आधार पर छप रहा है जनगणना के बारे में, आप पढ़िए कि भाई जातिगत जनगणना क्यों, बिल्कुल जातिगत जनगणना होना चाहिए, जनगणना जातिगत जनगणना के साथ उसका धर्म सारा चीज लिखा, उसका हिस्सेदारी जो होगा उसका जाति के हिसाब से योजना बनेगा, उसका हिस्सा मिलेगा, होना चाहिए। तो आप इसको आप पढ़ेंगे तब ना, जातिगत जनगणना का मामला है तुम्हारा, अफगानिस्तान में जो हुआ आप पढ़िए उसको, लेकिन आप अफगानिस्तान को नहीं पढ़ेंगे पूरा। अरे फुटबॉल हो रहा है तुम्हारा, हीरो कप या जो कप हो रहा है तो उसी को पढ़ो तो कम से कम विषय लैंग्वेज सब समझेगा। अखबार तो हमको नहीं लगता आजकल बहुत लोग पढ़ता है, आप ईमानदारी से बोलो तो कितना लोग अखबार पढ़ते मंगाते हैं, हाथ उठाओ तो मंगाते हैं, पढ़ते कौन कौन है, कौन वाला खाली पेज पढ़ता है, फिल्म वाला पेज, क्राइम वाला पेज पढ़ता है, वेरी गुड, और चीज बोलो, मैंने पढ़ना चाहिए खेल, हाँ अखबार जरूर पढ़िए, आप अखबार में पढ़िएगा चीजों को, सिटी पेज हो गया आपका, क्राइम पेज हो गया, बहुत सारा चीजों को आपको जानकारी मिलेगा।
मैंने पढ़ने का आदत जरूर डालिए। और जिस दिन हमारा समाज के आप जैसे नौजवान इन चीजों पर पढ़ने का आदत गंभीरता नहीं दिखाएगा तो हम समाज को सही दिशा में नहीं ले पाएंगे। MLA बन जाना, MP बन जाना अलग बात है। 5 साल में चुनाव होगा, कोई ना कोई MLA बनबे करेगा, MP बनबे करेगा, लेकिन आप अपने समाज के प्रति समर्पित भावना से आप आगे आप उसको नहीं बढ़ा पाएंगे।